दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, वो क्या है जो आपको हर वक्त पुश करेगा, जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि हम ऐसे खाली नहीं बैठ सकते, कुछ करो। वो क्या ऐसी चीज़ है जो कि हमारे अंदर के पावर को जगाएगी। आखिर सबसे बड़ा मोटिवेशन है क्या? क्या वो पैसा है, नाम है, फेम है, ब्रेकअप है? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है। अगर दुनिया का कोई सबसे बड़ा मोटिवेशन है तो वो है आपके हालात, आपके फैमिली के सिचुएशन। ये चीज़ जो आपसे करवा सकती है ना, वो हर कोई पावर आपसे नहीं करवा सकती। पैसों का लालच वो आपसे नहीं करवा सकता, जो पैसे की कमी आपसे करवा सकती है। आपका कभी कभी मन करता होगा ना कि ये खरीद लूँ, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से उन ख्वाहिशों को मारना पड़ता है। मन करता होगा ना कि यार ये खा लूँ, लेकिन फिर पैसों की वजह से मुंह मोड़ना पड़ता होगा। सोशल मीडिया पर आप दुनिया भर के नई नई चीज़ों को देखते होंगे, और जब वहाँ से बाहर आते हो, अपनी ज़िंदगी में देखते हो, तो कुछ नहीं है। मन किया कि कहीं जाने का, और जाने के लिए गाड़ी ही नहीं है, और गाड़ी है तो पेट्रोल का पैसा नहीं है। जितना हम दिन में कमा नहीं रहे हैं, उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। रात को चैन से सो नहीं सकते, सोने से पहले रोज़ टेंशन होता है कि मेरा क्या होगा, और कुछ होगा भी या नहीं होगा। आपके जो पेरेंट्स हैं वो खून पसीना बहाकर काम कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, जिसमें आप सिर्फ सर्वाइव कर पा रहे हो। वो कमाने के लिए दिन रात कितना कुछ सहते हैं। कभी कभी मन नहीं करता होगा, माइंड थक जाता होगा, पूरी बॉडी थक जाती होगी, कई लोगों की बातें सुननी पड़ती होगी, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हालात उनसे करवा रहे हैं। मान लो आप किसी इवेंट में, सेमिनार में, किसी शो में, सेलिब्रेशन में, किसी पार्टी में, कहीं पर भी आप गए, वहाँ पर आपने देखा होगा कुछ लोगों को बहुत इज्जत मिलती है। आपके अंदर भी आता होगा कि काश ये सब मुझे मिले, काश मुझसे भी लोग बात करने को तरसे। सब लोग वहाँ पर अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आए हैं, सिर्फ आपके ही कपड़े वहाँ पर सबसे बुरे हैं। आप ही वहाँ पर सबसे बुरे दिख रहे हो, तो ऐसे में अंदर से आग लगेगी। मुझे बदलना है अपने हालातों को, नहीं रहना है मुझे इन हालातों में। शायद अभी लोग आपको मुंह लगाना भी पसंद ना करें, और ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर हर वक्त खा रही होगी कि क्यों मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्यों लोग मेरी वैल्यू नहीं करते। देखो, लोग आपकी वैल्यू करेंगे जब आपके पास में पैसा होगा, जब आपका नाम होगा। और एक इंसान का नाम होता है, उसके नाम से इसलिए काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। कोई अगर आपको नीचा दिखाए, कोई आपको अपनी औकात दिखाए, आपका मजाक बनाए, आपको इग्नोर करे, आपकी खुशियाँ छीने, तो चुन चुन कर उनका नाम लिखो, और जो तुझे गुस्सा आता है ना, उस गुस्से को, उस एनर्जी को अपनी ज़िंदगी बदलने में यूज़ करो। बहुत लकी इंसान हो तुम अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो, क्योंकि वही वो टाइम है जो तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं होगा सिवाय पाने के लिए। और जब इंसान अपने दम पर ज़मीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों को छूता है ना, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इस दुनिया में लोग उसे ही पसंद करते हैं जो ज़मीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों पर अपने दम पर जाते हैं। इसीलिए लकी हो तुम अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो, और यही वो वक्त है जब तुम कुछ भी कर सकते हो, कितना भी बड़ा कर सकते हो, और इतना कुछ पा सकते हो अपनी ज़िंदगी में जितना दूर दूर तक किसी के पास में नहीं है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की,
मेरे अंदर एक जमाना है, ख्वाहिशों का कैदी हूँ। मुझे हकीकतें सजा देती हैं, आसान चीज़ों का शौक नहीं है मुझे। मुश्किलें मजा देती हैं, जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है। हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर इंसान पे आती हैं, बस कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। एक अलग पहचान बनाने की आदत है मेरी, तकलीफों में भी मुस्कुराने की आदत है मेरी। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। तो खामोशी से मेहनत करते जाओ, क्योंकि मेहनत से एक दिन शोर होगा। याद रखना, एक दिन तुम्हारा भी दौर होगा। तो ये पावरफुल मोटिवेशनल कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।